রামলালার দর্শনে অযোধ্যায় পুণ্যার্থীদের ঢল। পুণ্যার্থীদের মধ্যে গীতা বিলি সোহম বাবার। লক্ষাধিক পুণ্যার্থীদের হাতে গীতা তুলে দিয়েছেন, গঙ্গাসাগরেও গীতা বিলি করেছেন সোহম বাবা। যারাই আসছেন অযোধ্যায় এই লতা মঙ্গেশকর চকে তাদের জন্য যথাযথ গীতা বিতরণ করছেন এরা। কতদিন থেকে, কিভাবে, কেন সেটাও জানবো। महाराज जी, मैं बंगाल से आया हूँ जी। जी, आप मुझे गीता देने वाले थे। हाँ, यथार्थ गीता ये 30 भाषाओं में है। ये आप यथार्थ गीता को इंग्लिश, बंगला, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, विश्व के 30 भाषाओं में इसको आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यथार्थ गीता को अगर आपको सर्च करना है गूगल पर या यूट्यूब पर, तो इसके लिए एप्लीकेशन भी है यथार्थ गीता का। ये मानव मात का धर्म शास्त्र है। रामकृष्ण परमहंस जो देव थे, उन्होंने कहा कि मैं वही राम हूँ जो त्रेता में हुए, मैं वही कृष्ण हूँ जो द्वापर में, मैं उन्हीं की पवित्र आत्मा हूँ। तो हाँ, तो मैं रामकृष्ण हूँ। तो ये राम कृष्ण और विश्व के संपूर्ण जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी अवतारी पुरुष हैं, जितने भी संत हैं, योगी हैं, योगेश्वर हैं, इन महापुरुषों ने उस राम का रामत्व, उस परम तत्व को कैसे प्राप्त किया, क्या साधना है, क्या विधि है, वो संपूर्ण उसका सारांश निचोड़ इस यथार्थ गीता में है। हम चाहेंगे कि पूरे विश्व को एक ऐसा निर्विवाद धर्मशास्त्र मिल जाए जिससे मनुष्य अपनी समस्त समस्याओं का समाधान पा सके, और वो चीज यथार्थ गीता में है। भक्तों को देने के लिए आपका नाम, शुभ नाम? सोहम बाबा, परमहंस आश्रम सोहम। सोहम अर्थात সোহম বাবা এইভাবে এখনো পর্যন্ত 100,000 পুণ্যার্থীকে বিনামূল্যে গীতা বিতরণ করেছেন, এবং তার আশা এই এই মহামূল্যবান গ্রন্থ পড়ে মানুষের জীবনের সমস্ত সংশয় এবং সমস্যা যেভাবে দূর হয়ে এসছে এতদিন পর্যন্ত, সেভাবেই দূর হয়ে যাবে। যারা রামচন্দ্রের শরণে আসছেন তারা আরো একটি অতিরিক্ত উপহার পাচ্ছেন সোহম বাবার কাছ থেকে এবং তার সংগঠকদের কাছ থেকে। ভিডিও জার্নালিস্ট রজনীর সঙ্গে অনির্বাণ, অযোধ্যা রিপাবলিক। 22 জানুয়ারি কো প্রভু রাম বিরাজমান হো আপনে ঘরো মে ভি শ্রী রাম জ্যোতি জলায়ে দীপাবলি মনায়ে। 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ, अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाएं।